सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 क्रिएटिव आइडियाज फॉर फोटोग्राफी बैकग्राउंड्स जो ज्यादातर हम जो है फोटोशूट्स में यूज करते हैं। तो ये फोटोग्राफी ट्यूटोरियल जो है सभी बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ बगैर कोई ज़्यादा खर्चा किए हुए आप एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे खासे बैकग्राउंड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए बिल्कुल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं अपने फोटोशूट्स के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बुके दिखाई दे रहा है और जो प्रोडक्ट है मेरा वो है डिओडोरेंट। और ये जो बुके है आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाइए, वहाँ टाइप कीजिए ब्लू बुके, रेड बुके या जिस तरह का बुके आपको चाहिए आप वो बुके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद आप इसको जो है स्क्रीन पे फुल स्क्रीन साइज पर आप उसको डाल दीजिए ताकि आपको एक इस तरह का बैकग्राउंड मिल जाएगा। नीचे यहाँ मैंने आप देख रहे हैं एक रखा है ब्लैक कलर का, ये मेरा जो पेन टैबलेट है उसको मैंने बैकग्राउंड बनाया है नीचे, यानी कि इसका जो बेस। आप कोई किताब या ब्लैक कलर का कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसपे आप इसे रख सकते हैं आप उस तरह आप इसको रख सकते हैं ताकि पीछे ये जो बुके और आपको ब्लैक नीचे जो बेस मिल जाएगा जिससे कि आपकी पिक्चर निकल के आएगी एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी की, एकदम प्रोफेशनल लुक के साथ में। तो चलिए आप शुरू करते हैं ये शूट और देखते हैं हमारी इमेज कैसी आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ मैं इसे शूट करने के लिए कोई भी स्टूडियो लाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने स्टूडियो की जो है विंडो लाइटिंग, यानी कि विंडो से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लाइट आ रही है और कोई भी खर्चा नहीं है आपको, बस आपको अपना कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करना है और सेटअप मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ मैंने लगाया है कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड से लगाया ताकि जो विंडो से लाइट आ रही है उसका जो रिफ्लेक्शन है उसको ब्लॉक करने के लिए ताकि वो रिफ्लेक्शन जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई ना दे। और मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना 105mm का मैक्रो लेंस। अगर आपके पास ये लेंस नहीं है तो आप 70-200 का लेंस या 72-300 का लेंस, कोई भी जूम लेंस आप यूज़ कर सकते हो या 50mm का लेंस है उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो, बाद में इमेज को आपको क्रॉप करना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं अब ये शॉट और देखते हैं इमेज कैसी आई है। और यहाँ मेरी जो कैमरा सेटिंग है दोस्तों, ISO मेरा है इसके अंदर 100, शटर स्पीड जो है मेरी है 200 और मेरा जो एपर्चर है वो है मेरा 5। तो देखते हैं शॉट कैसा मिलता है हमें। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हमें अच्छा खासा एक शॉट मिल गया है वो भी विंडो लाइटिंग के अंदर। सो ये छोटी सी टेक्निक थी बैकग्राउंड को क्रिएट करने की। आप देख रहे हो बिना किसी ज़्यादा खर्चे के हमने एक अच्छा खासा एक क्रिएटिव बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्रिएटिव आइडिया की तरफ। तो दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा फोटोग्राफी का जो क्रिएटिव बैकग्राउंड है वो है, आप देख रहे हैं हम सड़क पे शूट कर रहे हैं और सड़क पे यहाँ पर आप देख रहे हो एक पानी इकट्ठा हुआ है, यहाँ मैंने रखा है बीच में एक प्रोडक्ट को ताकि हमें अच्छा खासा एक क्रिएटिव बैकग्राउंड मिले, वाटर का इफेक्ट मिले और थोड़ा मिरर इमेज भी मिले हमें इसका। ये आफ्टर शेव लोशन है जिसे हम शूट कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरी कैमरा सेटिंग है दोस्तों, ISO है मेरा 100-250, शटर स्पीड रखी है मैंने और मेरा जो अपर्चर है वो मैं शूट कर रहा हूँ F16 पे ताकि मुझे शार्प प्रोडक्ट का इमेज मिले और देखते हैं कि कैसी इमेज आती है। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो हमें अच्छी खासी इमेज मिली है दोस्तों और थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन भी हमें प्रोडक्ट का मिल गया है। तो इस तरह से जो है आप अपने लिए क्रिएटिव बैकग्राउंड्स और आइडियाज़ जो है आप क्रिएट कर सकते हैं जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे हो। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे जो है क्रिएटिव बैकग्राउंड की तरफ। तो दोस्तों, अब जो हमारा तीसरा बैकग्राउंड का आइडिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हो ये जो एक दीवार है यहाँ पे जमी हुई है काई, आप ग्रीन कलर की देख रहे हो और यहाँ पे रखा है एक पत्थर, उस पर भी थोड़ी थोड़ी काई जमी हुई है। तो ये आपको थोड़ा क्रिएटिव आइडियाज लगाने पड़ते हैं बैकग्राउंड्स को ढूंढने के लिए। तो यहाँ मैंने रखा है प्रोडक्ट को पत्थर के ऊपर और बैकड्रॉप को मिल रही है ये है इसकी ग्रीन और ब्लैक कलर की जो काई है वो। और मैं अब शूट ले करूँगा दोस्तों और मेरा कैमरा सेटिंग सेम है 250 जो है शटर स्पीड है, F16 पे मैं शूट कर रहा हूँ और ISO मेरा 100 है। तो देखते हैं कि इमेज हमें कैसी मिलती है। तो लेते हैं एक इमेज। सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट का इमेज जो है हमें काफ़ी अच्छा मिला है दोस्तों और बहुत ही कोई हमारा इसमें एक रुपये का खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ हमने थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा स्टूडियो के अपने घर के बाहर निकलना पड़ता है इस तरह के बैकग्राउंड्स को ढूंढने के लिए। तो अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो इस तरह के बहुत सारे बैकग्राउंड्स आप इंटरेस्टिंग क्रिएटिव बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्रिएटिव बैकग्राउंड की तरफ। तो दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे जो है अब हमने रखा है डिओडोरेंट को स्टोन्स के बीच में और काफ़ी इंटरेस्टिंग आप देख रहे हो हमें नीचे एक बिल्कुल स्टूडियो के नीचे एक जगह मिली जहाँ काफ़ी सारे स्टोन्स पड़े हैं। यहाँ हमने इसको प्लेस किया है जस्ट टू गेट अ क्रिएटिव बैकड्रॉप, एक हमें बैकग्राउंड जो है अच्छा मिले। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास स्प्रे का पानी का बॉटल है और इसे हम करेंगे थोड़ा सा स्प्रे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है इस पर आ जाएंगे तो शॉट और भी हमें क्रिएटिव मिलेगा।
और यहाँ पे स्टोन्स पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया इधर, ताकि थोड़ा सा पिक्चर का फाइनल आउटपुट हमें अच्छा मिले। तो अब मैं जो है पिक्चर लेने वाला हूँ दोस्तों, और मेरा कैमरा सेटिंग है अभी ISO मेरा रखा है मैंने करीब 400, लाइट थोड़ी डिम हो गई है, और मेरी शटर स्पीड है दोस्तों 200 रखी है मैंने 200, अपर्चर है मेरा 13। तो लेते हैं शॉट, ये है देखते हैं शॉट हमें कैसा मिलता है। थोड़ा हाथ मेरा गीला हो गया, सो फोकस मैंने किया है लॉक। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, अच्छा हमें एक इमेज मिला है इसका, और जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी क्रिएटिव तरीके से निकल के आया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जब आप कोई भी प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं तो जितने आप क्रिएटिव बैकग्राउंड्स क्रिएट करेंगे उतनी इमेज जो है आपकी स्ट्रॉन्ग और एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो दिखाई देगी आपके क्लाइंट्स को। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब जो आखिरी हमारा क्रिएटिव बैकड्रॉप रहेगा यानी कि बैकग्राउंड, वो हमने यूज़ किया जिलेटिन कलर्ड, अलग अलग डिफरेंट कलर के, और यहाँ हम स्टूडियो की सीढ़ी के ऊपर हमने क्रिएट किया है ताकि हम नेचुरल लाइट में से शूट कर सकें। तो आप देख रहे हो किस तरह से हम लोगों ने जो है ये ब्लू ग्रीन रेड कलर की जो है जिलेटिन जो है हमने पेपर यूज़ किया है, और एक अच्छा हमें बेस मिल गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा करूँगा स्प्रे, और अब मैं लेता हूँ शॉट। सेटिंग्स है दोस्तों मेरा 200, मेरा शटर स्पीड है F10 पे शूट कर रहा हूँ, और ISO है मेरा 400। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हमें अच्छा खासा एक शॉट मिल गया है दोस्तों। और ये थे आज के कुछ 5 क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर फोटोग्राफी बैकड्रॉप्स, जो आप बिल्कुल एकदम नेचुरल लाइट में शूट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं आता आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़। आपको सिर्फ एक कैमरा लेंस और आप जो भी प्रोडक्ट शूट करना चाह रहे हो उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।